Question number 7. Ernst prepared a trial balance. He omitted bad debt account 400. Trial balance mein bad debt dalna bhool gaya. And he entered the balance of the insurance account as 9,000 instead of 900. Aapko batana hai, what was the balance on the suspense account? देखो इस तरह का जब सवाल आए ना तो इसमें बेहतर क्या होता है कि पहले तो हम बना लें जर्नल एंट्रीज और उसके बाद बना लें सस्पेंस अकाउंट. पहले मैं एंट्री बना लेता हूँ. ही ओमिटेड द बैड डेट, इसका मतलब बैड डेट को हम रिकॉर्ड करना भूल गए. क्या एंट्री बनाएंगे भाई? बैड डेट डेबिट कितने से? 400. और जहाँ कुछ नहीं आता वहाँ पर क्या आता है? सस्पेंस. सिर्फ बैड डेट में रिकॉर्ड नहीं किया ना, इसका मतलब डेटर को रिकॉर्ड कर लिया होगा. ओमिटेड बैड डेट अकाउंट, बैड डेट में रिकॉर्ड नहीं किया था, डेटर में कर लिया होगा. और दूसरा क्या है इसके बाद? इंश्योरेंस अकाउंट जो है वो कह रहा है एंटर्ड द बैलेंस ऑन द इंश्योरेंस अकाउंट इज 9,000 इंस्टेड ऑफ 900. क्या मतलब? इसका मतलब 900 जो है लिखना चाहिए था, लेकिन हमने कितना लिख दिया इंश्योरेंस में? 9,000. ज़्यादा लिख दिया है कम? ज़्यादा. कितना ज़्यादा लिख दिया? 8,100 इंश्योरेंस को हमने बढ़ा दिया. तो 8,100 से इंश्योरेंस को क्या करना है? क्रेडिट करना है. इंश्योरेंस को क्रेडिट कर दे 8,100 से. और डेबिट पे क्या आ जाएगा? सस्पेंस. जहाँ कुछ नहीं आता वहाँ पे सस्पेंस आ जाता है 8,100. अब जब आप ये दोनों एरर बना लिए, अब आप एक काम ये कर लें कि एक सस्पेंस अकाउंट खोल दें. सस्पेंस या देखें, हमने बात की थी सस्पेंस एक टेम्प्रेरी अकाउंट है जिसमें ओपनिंग बैलेंस तो होता है लेकिन कभी भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता. ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है ये हमें पता नहीं है. जो साइड शॉर्ट होगी ना ट्रायल बैलेंस पे, वहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आ जाए. अब हमें नहीं पता कौन सी साइड शॉर्ट है. पहले हम ये करते हैं, ये एंट्री सस्पेंस में पोस्ट कर देते हैं, एक लाइन छोड़ देते हैं. सस्पेंस अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस डेबिट पे भी आ सकता है, क्रेडिट पे भी. सबसे पहले अगर बैड डेट डेबिट हो रहा है, सस्पेंस क्रेडिट. सस्पेंस को क्रेडिट कर दें कितने से? 400 से. एक लाइन छोड़ दी और रेफरेंस में बैड डेट, ये आ गया बैड डेट. और सेकेंड एंट्री में बताएं क्या हो रहा है? सस्पेंस डेबिट हो रहा है सेकंड एंट्री में 8,100 से. और रेफरेंस में क्या आ जाएगा जी? रेफरेंस में आ जाएगा इंश्योरेंस. इंश्योरेंस. आप मुझे बताओ कौन सी साइड शॉर्ट है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड शॉर्ट है. इसका मतलब सस्पेंस का जो ओपनिंग बैलेंस होगा, यहाँ पे हम ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखते एग्जाम में, हम लिखते हैं डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस. डिफरेंस एज पर ट्रायल. बताओ भाई शॉर्ट साइड कौन सी? शॉर्ट साइड ऑब्वियसली यहाँ क्रेडिट साइड है. 8,100 में से अगर मैं 400 माइनस कर दूँ तो कितना आ जाएगा? 77. इसका मतलब ट्रायल बैलेंस का जो ओपनिंग बैलेंस आ रहा है वो 7,700 आ रहा है क्रेडिट बैलेंस. तो ए आंसर होगा 7,700 क्रेडिट. या देखो नॉर्मली क्या होता है, ये अच्छा सवाल था. नॉर्मली ये 7,700 हमें बता देता है कि ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं हो रहा और जो शॉर्ट साइड है वो कितनी है? 7,700. अगर वो हमें खुद बता देगा तो हम एक सस्पेंस अकाउंट खोल के जो डिफरेंस है वो लिख देंगे क्रेडिट साइड पे. उसके बाद जब हम एरर्स को करेक्ट कर लेंगे तो ट्रायल ये सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा. कभी भी जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, उसमें कभी भी सस्पेंस वर्ड यूज़ नहीं होता, क्योंकि अकाउंट्स को फाइनलाइज करने से पहले पहले हम सस्पेंस को क्या कर देते हैं मेरे भाई? क्लियर कर देते हैं. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर